Today we will discuss module 4 of performance management and career planning. Now we will discuss role of technology in career development. देखिए technology जैसे कि अगर आप देखोगे कि एक worker है उनके लिए हमने machineries लाई है काम करने के लिए, अगर वो मशीनरी को पॉप अप कर पाते हैं, मशीनरी के साथ साथ वो काम कर सकते हैं, मशीनरी को चलाना जानते हैं, तो यस उनका रिक्रूटमेंट, उनका सर्वाइवल, उनका रिटेंशन रहेगा। अगर आप आज देखिए कि एडमिन के काम में भी आज आपको देखिए प्रिंटर्स लगते हैं, कंप्यूटर्स लगता है, लैपटॉप्स, वाईफाई, एवरीथिंग वी नीड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये पर्टिकुलर चीज़ों को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वैसा क्वालिटी स्टाफ चाहिए, और अगर वैसा क्वालिटी स्टाफ अगर हमारे पास होगा तो हम किसी को भी फायर नहीं कर सकते, किसी को सैक नहीं कर सकते, किसी को निकाल नहीं सकते। ओके, तो उसका रोल क्या है? सबसे पहले कि फोस्टर मल्टी डायरेक्शनल करियर प्रोग्रेस। देखिए लोगों को राइटिंग भी काम आ जाएगा, टेक्नोलॉजी भी चलाने का काम आ जाएगा, इससे लोगों का ही स्किल्स डेवलप होगा। देन सपोर्ट करियर डेवलपमेंट, सपोर्ट करियर डेवलपमेंट। आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की भाई मुझे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, मुझे MS वर्ड आता है, मुझे मैं Excel पे काम करता हूँ, मैं टैली पे काम करता हूँ। आपके रिक्रूटमेंट बहुत इजी हो सकती है। अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा पे नहीं मिलता है तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं, बिकॉज यू नो द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। देन रिक्रूट फ्रॉम विद इन। अगर हमें कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, किसी को कंप्यूटर आता है, तो भाई तू ये काम कर, हम तेरे को एक्स्ट्रा पे भी दे सकते हैं, हमें किसी बाहर से बुलाने की ज़रूरत भी नहीं। देन एनकरेज एम्प्लॉय टू टेक चार्ज ऑफ ओन करियर डेवलपमेंट। लोग इनिशिएटिव्स लेंगे, भाई ये काम मुझे आता है, अपने स्किल्स दिखाने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म मिल सकता है, और उसी प्लेटफॉर्म्स के बेस पे उन्हें सक्सेस एंड उन्हें प्रमोशंस मिल सकते हैं। करियर डेवलपमेंट पिरामिड मॉडल, आज हम इसके इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पिरामिड मॉडल ये ऐसा मॉडल है, देखिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए एक काम में सबसे पहला होना चाहिए कि उसे सेटिस्फैक्शन। देखिए इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, वी कैन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 7 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसमें अगर वो चीज़ें अगर उस बंदे को मिलती हैं, ही विल बी हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही विल गिव यू 101% एफर्ट्स फॉर accomplishment ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है कि सेटिस्फैक्शन। देखिए उसके सेटिस्फैक्शन वाला जॉब अगर उसको देते हैं आप, जो उसके स्किल्स रिलेटेड है, तो वहाँ पे ठंडा दिमाग रख के, कूल माइंडेड रह के, और अच्छा से काम कर सकता है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट सेटिस्फैक्शन। जैसे कि अगर देखा जाए तो कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है, ओके कोई मार्केटिंग है, तो उसे सिर्फ फील्ड पे ही उसे अच्छा काम आता है, तो यस उसको उस फील्ड पे भेज दीजिए। अगर आप बोलोगे कि भाई उसको अकाउंट का भी काम करें, उसको अकाउंट का नॉलेज नहीं है, वो डर डर के काम करेगा, अरे यार कुछ एरर हो गया मेरे को चिल्लाएंगे, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, तो आप वैसे काम उनको दीजिए मत। सेकेंड इज अवेयरनेस, काम के बारे में उनको अवेयर करना कि भाई आपके रोल्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है। एक्सप्रेशन एंड टेकिंग एक्शंस, उनको काम करने का चार्ज दे दीजिए, चार्ज देना है, उन्हें पावर्स देनी है। आप देखिए कि भाई ये काम आपका है, आप कैसे भी करके आप पूरा कीजिए, इट्स टोटली ऑन योर बेस। देन एनकरेजमेंट, एनकरेज कैसे कर सकते हो? देखिए सिर्फ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट से ही आप लोगों को एनकरेज नहीं कर सकते हो, आप उनसे अच्छे बात करके, उन्हें सपोर्ट करके, ओके फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो होते ही रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन कमिटमेंट, कमिटमेंट देखिए ये तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर कोई मेरा बोलता है कि भाई हाँ ये काम करके दो, वी विल गिव यू इंक्रीमेंट, अगर उसने काम कर दिया और इंक्रीमेंट नहीं देते हो, तो ये आपकी फेलियर है कि भाई आपने कमिटमेंट किया बट आप उस कमिटमेंट को तोड़ रहे, नेक्स्ट टाइम से उसको आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली वो बाहर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा भला कहना स्टार्ट कर देगा कि भाई ये कंपनी कभी कमिटमेंट पूरी करती नहीं। और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो फेलियर है वो इसके वजह से होते हैं कि लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसीलिए लोग इंडिया से बाहर क्यों भागते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा उन्हें कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। आप देखिए इंडिया में बहुत ही एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी कमिटमेंट को पूरी करती है। बाकी अगर आप देखोगे कमिटमेंट तोड़ने की वजह से इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आ चुकी है और हमारे प्रोडक्ट्स को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितना वो लोग को वैल्यू मिलती है हमारी तरफ से। देन क्रिएटिविटी, एप्रिसिएशन,
आप अप्रिशिएट कीजिए हर एक बंदे के काम को। इंडिया में अप्रिसिएशन करना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर। क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज को जनरेट कीजिए, लर्निंग एवरी पर्सन। देखिए लर्निंग आपके अंत तक होना चाहिए, मतलब आप जब तक इस दुनिया में हैं आप लर्न करते रहिए, चाहे वो कोई भी उम्र क्यों ना हो। अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ कुछ नए स्किल्स कीजिए, सजेशन दे सकते हो। आप देखा, आपको मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकली बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो बंदा रिटायर्ड हुआ रहता है उसको फिर से रिक्रूट करते हैं कुछ पर्टिकुलर समय के लिए कि भाई आपके सजेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपके सपोर्ट की बहुत हमें ज़रूरत है, उसके लिए भी हम पे करने को तैयार हैं। तो लोग बोलते हैं कि भाई हाँ यार, रिटायरमेंट के बाद भी अगर हमें पैसा मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज, आवर स्किल्स, तो क्यों ना हम ऑर्गेनाइजेशन को दे। देखिए लर्निंग का यही फायदा है, अब जब तक आप हो इस प्लैनेट पे हो आप सीखते रहिए। देन ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट। ट्रस्ट ये तो मतलब मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसके ऊपर जितना मैं बोलूँगा उतना कम है, बट हाँ अगर आप देखिए अपने एम्प्लॉयज पे, मैं कहता हूँ एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट जरूर रखिए। ओके, कलीग्स के ऊपर ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। देखिए अगर आप बिचिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, चलो ठीक है आपने सुन लिया है, आप अपने पास ही रखिए। आप अगर दूसरे को बोलोगे भाई ये बंदा तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकते हैं, वो बंदा कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि यार इस बंदे को आदत पड़ी है इधर की बात उधर करने की, मैंने क्या इंटेंशन से बोला था और इसने क्या इंटेंशन से बताया गया। तो लोग ये इंपॉर्टेंट है कि भाई भले देखिए गॉसिपिंग्स होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन से, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक चीज़ को गॉसिप के जरिए स्प्रेड किया जाए। रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट दीजिए एक दूसरे को, भले ही वो बंदा लोअर लेवल पे काम क्यों ना कर रहा हो। देखिए अगर आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी है तो आप ये देखिए कि भाई भले वो मेरे लेवल का हो या ना हो, मुझे उससे रिस्पेक्ट से बात करनी है। चाहे वो आपके कंपनी का प्यून क्यों ना हो, चाहे वो आपके कंपनी में स्वीपर क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है, आप सबसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। आपको मैं 101% बोल सकता हूँ कि भाई आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। लोग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ही डेवलपमेंट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर हमने गलती किया हमारा रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे ठीक है ना, डिसरिस्पेक्ट, देखिए इंसान गलतियों से ही सीखता है, गलती करोगे तभी आप सीखोगे। कोई भी लाइफ में, कोई भी इस प्लैनेट पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, एवरीवन हैव डन अ मिस्टेक्स, मिस्टेक से ही सीखते हैं। रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी, उन्होंने क्या कभी लॉस फेस नहीं किया? लॉस फेस किया है उन्होंने, बट तभी भी आज वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दे आर द रियल रिस्क टेकर्स। और देखिए उन्हें लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, तो दोनों के लिए रेडी है, लॉस के लिए भी रेडी होते हैं प्रॉफिट के लिए भी रेडी होते हैं। नेक्स्ट ऑब्सोलेंस मॉडल की बात करेंगे हम। ऑब्सोलेंस मतलब कह सकते हैं कि आउटडेटेड। ये मॉडल जो है हम देख सकते हैं कि भाई हमारे कंपनीज में, हमारी कंपनी में जो बंदे स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ओके, या फिर वो कंफर्ट जोन में रह पा रहे हैं, अभी कंपनी उनको निकाल भी तो नहीं सकती है, तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, वीआरएस सिस्टम देती है कि भाई आप अच्छा खासा पैसा लेके चले जाइए क्योंकि आपकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, काम भी नहीं करते। ऑब्सोलेंस इज नथिंग बट डैट कि भाई हमारे पास जो आउटडेटेड रॉ मटेरियल, आउटडेटेड लेबर, यस लेबर इज ऑल्सो कॉल्ड आउटडेटेड बिकॉज दे आर नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स, दे आर नॉट रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग द प्रॉब्लम्स। And that's why we have to do this, that we want to remove these people and recruit those people who have the quality, skills, okay, and knowledge, education, everything which help us for the accomplishment of goals. तो obsolescence model में क्या होता है कि भाई हमारे पास जो भी outdated products है, outdated labor पड़ा है, अगर वो सीखने की इच्छा ही नहीं उनमें, तो उनको आप सीधा आप VRS देके आप उनको निकाल सकते हैं कि भाई हाँ यार, कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि हम आपको काम दे रहे हैं बट आपको नहीं जम रहा है। और देखिए आप कितना भी आप काम नहीं हो रहा है तो आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप डोमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है, उन्हें खुद को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। तो यस यू हैव टू डू दीज थिंग्स, कोई किसी को बुरा लगे या ना लगे, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस में कोई डेवलपमेंट ही नहीं करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ये बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसका खाना पीना हम देखें। अगर वो खुद में डेवलपमेंट नहीं ला रहे तो ऑर्गेनाइजेशन इसकी कोई जिम्मेदार नहीं बनती है। तो ऑब्सोलेंस मॉडल यही बता रहा है आपको कि भाई जो बंदे आपके लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं ना खुद के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप निकाल दीजिए।
और ऐसे लोगों को आप रिक्रूट कीजिए जिनमें सच में कैलिबर है, पोटेंशियल्स हो, क्वालिटी हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो. ओके, सो दिस इज आवर मॉड्यूल 4 ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. थैंक यू.